सिंपल सा एक केस स्टडी है, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी सिंपल तरीके से समझ जाओ। तो आपको याद रहेगा कि ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो हमारे पास आज एक है, ये इंटेल का एक मदरबोर्ड है। इसका मॉडल नंबर ये DH61WW, यहाँ पर देख सकते हो ये देखो DH61WW। तो ये WW सीरीज का है, इसमें LPC पोर्ट है जो कि रैम के बगल में ही होता है, पास में ही होता है रैम के। तो अभी देखो ये हमारा बोर्ड है, ये हमने पावर दिया, पावर दिया तो यहाँ पर देखो एक LED जल रहा है। ये देखो ये है, ये देखो एक LED जल रहा है, ठीक है, मतलब बोर्ड में पावर है। अभी क्या है, ये बोर्ड अगर हम टिगर दे, बोर्ड अगर हम टिगर दे तो ये बोर्ड हमारा टिगर नहीं लेता है। सिंपली अभी टिगर नहीं लेता है, नो पावर केस में है। अभी इस बोर्ड में दिक्कत क्या है देखो, अभी PSON हम देखेंगे इसका, तो इसका वोल्टेज लेवल जो है वो पर मिलेगा। PSON हम अगर देखेंगे, मल्टीमीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लाइट का शेडो आ रहा है। अब देखो PSON पे अगर हम जाए तो देखो ठीक से देखो, या ये देखो 3.39 वोल्ट, मतलब 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है। बोर्ड ऑन करने के लिए जितना वोल्टेज बोर्ड में चाहिए फोन पैनल के स्विच पे, तो उतना वोल्टेज हमारा बोर्ड पे है, फिर भी हमारा बोर्ड क्या है, टिगर नहीं ले, ऑन नहीं हो रहा है। तो देखो इस केस में मैं एक छोटा छोटा सा, मतलब ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा समझाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम सभी जानते हैं, अगर कोई भी मदरबोर्ड, चाहे 31 945, 31 सीरीज़, 41 सीरीज़, या फिर 5000, 10th, 8000, 7000, जो भी सीरीज़ का मदरबोर्ड हो, उसमें अगर लैन आईसी शॉर्ट रहता है, लैन आईसी शॉर्ट रहता है और वो आईसी लगातार हीट होता है, तो हमारा बोर्ड टिगर नहीं लेता। ये हमने बहुत वीडियो में बता के रखा है, दिखा के भी रखा है, और ये एक बड़ा रीज़न है। तो देखो हर बार ये नहीं है, तो अभी देखो इस बोर्ड में ऑलरेडी पावर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड डालने से पता चलेगा। तो इसका जो बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, पर हीट हो रहा है। तो देखते ये यहाँ पर जो मैंने लिक्विड डाला, ये देखो ये एब्जॉर्ब हो रहा है धीरे धीरे, पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं है, पर मतलब हीट हो रहा है, ठीक है, हीट हो रहा है, मतलब उंगली रखोगे तो हीट लगेगा ज़्यादा सा, पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। ये देखो अभी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, क्लियर देख सकते हो। ये देखो सॉरी लाइट का फोकस नहीं था, ये देखो बीच में से देखो डब्बा सा हो गया है, ये देखो धीरे धीरे ये ऑब्जर्व हो रहा है बोर्ड में। ये देखो पावर दे के रखा है, ये LED जल रहा है, ये देखो। तो लैन आईसी इस बोर्ड में शॉर्ट नहीं है। ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर बार अगर आईसी हीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईसी ही खराब हो। तो आईसी से जुड़ा हुआ कुछ आसपास का कंपोनेंट, मींस कैपेसिटर, SMD कैपेसिटर जो रहता है, वो शॉर्ट होने के वजह से भी हमारा केस में देखा जाता है, लगभग केस में, कि आईसी हीट हो जाता है। तो इस बोर्ड में ये एक डिफरेंट केस है, तो इसलिए ये वीडियो दे रहा हूँ। बाकी लैन आईसी ही ख़राब होता तो वीडियो देने की कोई ज़रूरत नहीं था, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल के रखा है दो तीन। तो देखो अलग अलग बोर्ड के ऊपर, तो देखो अभी एक चीज़ मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, और मल्टीमीटर पे जाएंगे और एक चीज़ देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो अभी मल्टीमीटर पे हम गए, ये ऑटो काम कर रहा है क्यों भाई। अब देखो ये जो लैन आईसी है, अब दिख रहा है क्लियर, ये जो हमारा लैन आईसी है, इसके बगल में दो कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर। अब कोई भी SMD कैपेसिटर, अगर आप एक पिन ग्राउंड करो, ये ग्राउंड करो, तो दोनों साइड से कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर दोनों साइड से कंटिन्यूटी के साथ बीप करता है तो वो कैपेसिटर शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हम चेक करते हैं, देखो इसमें 0-0 करके, ये ग्राउंड है इसका, इसलिए 0-0 आ रहा है, और इसका ऑपोजिट साइड पे 0.5, मतलब दोनों साइड पे ही मतलब बीप कर रहा है। तो ये ग्राउंड से दोनों साइड पे बीप कर रहा है,
और इसके बगल में जो कैपेसिटर है ये भी बीप कर रहा है 0-0 के साथ, ये 8.4 के साथ ये भी बीप कर रहा है। अभी ये दोनों कैपेसिटर में एक कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है, या फिर दोनों ही ख़राब हो सकता है, जिसके वजह से हमारा जो लैन आईसी है ये हीट हो रहा है। तो मैंने जब देखा तो ये कैपेसिटर दोनों पे ही शॉर्ट दिखा रहा है, तो मुझे लगा कि भाई एक वीडियो दे देता हूँ, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं इस केस में क्या है, आप अगर आईसी को रिमूव कर दोगे तो भी आपका जो बोर्ड का मतलब नो पावर टिगर ना होने वाला केस ये सॉल्व नहीं होगा अगर आप आईसी रिमूव कर देते हो। कुछ कुछ लोग होता है, हाँ भाई उंगली दे के टच करके देख लिया, बहुत वीडियो देखा लैन आईसी ख़राब है, तो डायरेक्टली लैन आईसी को रिमूव कर देता है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, अगर आप लैन आईसी रिमूव कर देते हो तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसका असली सलूशन क्या होगा, जो ये दो कैपेसिटर हैं इनमें से एक ना एक शॉर्ट है। तो पहले हम एक एक करके निकाल के देख लेते हैं कौन सा शॉर्ट है, तो साथ में बने रहो। ये जो कैपेसिटर है ये दोनों को ही रिमूव कर देंगे, तो पहले थोड़ा सा ऊपर कर दो स्टैंड को, और अभी मैं इस साइड वाला कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ। साथ में रहो तो देखो, हल छोटा सा वीडियो है, पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर बार आईसी हीट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आईसी ही ख़राब है। तो आईसी के आसपास में कुछ भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है जिसके कारण आईसी ख़राब हो सकता है। तो असेंबली मेरा अभी भी रेडी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो ये कैपेसिटर रिमूव नहीं करेगा। ये कैपेसिटर हटा दिया, तो यहाँ पर रखता हूँ। अरे भाई निकल जा, क्या हो रहा है, निकल जा। इससे प्यार हो गया है, छोड़ नहीं रहा है। तो ठीक है, शादी करवा देंगे, अभी छोड़ दे भाई। चलो ये छोड़ दिया, तो मैं दोनों कैपेसिटर को ही रिमूव कर दूंगा। ये भी रिमूव कर दिया, ये भी छोड़ नहीं रहा है। तो शीला मुन्नी की तरह है क्या, ये क्या कर रहा है इसका। चलो एसएमडी को रख देते हैं, इसको भी छुड़ा देते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर में भी एक कैपेसिटर शॉर्ट है, तो अभी थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे चेक कर लेते हैं। हाँ ये जो शॉर्ट था चला गया, तो मतलब जाहिर सी बात है दोनों में से एक कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है। तो देखो अभी ये दो कैपेसिटर, यहाँ पर एक था यहाँ पर एक था, जो कि मैंने रिमूव कर दिया। और अभी तो इनमें से कौन सा शॉर्ट है एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई ना कोई एक शॉर्ट है, ठीक है, डेफिनेटली एकदम 100% शॉर्ट है। तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन सा शॉर्ट है, ये वाला शॉर्ट है। तो देखो ये जो कैपेसिटर है हमारा, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है, ठीक है, और ये वाला अच्छा है, तो एक कैपेसिटर शॉर्ट था। तो अभी क्या है, अभी बोर्ड को हम टिगर देंगे, और डिबग कार्ड को भी देखना चाहिए। तो डिबग कार्ड देखने के लिए थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा बोर्ड को। ये देखो यहाँ पर एलईडी जल रहा है, तो देखो अभी बोर्ड हमारा जो टिगर लेता है कि नहीं वही हम देखेंगे, ठीक है। तो पावर दिया हमारा, यहाँ पर देखो एलईडी आ चुका है, ये देखो एलईडी जल रहा है, अभी हम टिगर देते हैं। ये देखो कोड ले लिया, और डिस्प्ले बीजिए, ये डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है, डिस्प्ले आ गया, मैंने देखा, ये देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो डिस्प्ले आ गया। बूटेबल क्या दिखा रहा है, बूटेबल डिवाइस हैज नॉट बीन डिटेक्टेड। तो ये छोटा सा एक वीडियो है, पर इसमें बहुत सारा जानकारी है, क्योंकि हर वक्त
ये नहीं है कि आईसी ही खराब है और उसको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। हीट हो रहा है मतलब उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है। तो अभी मैं थोड़ा सा उंगली देके देखता हूँ, तो देखो अभी इसका हीट होना बंद हो गया, ये अभी हीट नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था जो कि मैंने शेयर किया, क्योंकि हर बार कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होता है, आईसी भी हर बार आईसी शॉर्ट नहीं होता है, कैपेसिटर भी ख़राब होता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा दिमाग में। और वीडियो बस इतना ही है फिलहाल। तो अभी डिस्प्ले आ गया, बोर्ड चल रहा है और ईबी पे कोड है ये देखो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। लव यू ऑल। जय हिंद।